आखिर गाना किसका किसने चुराया, क्योंकि दूसरे का गाना चुरी इस बार खेसारी ने प्रमोद का गाना चुराया है या प्रमोद ने खेसारी का गाना चुराया। माल टंच होली उपार के खाए माज कबर उतार के जोगार जारा के हिया मुर्गिया आरा के हिया माल लफरा के हिया अब मुर्गिया छपरा के हिया। जी हाँ, ये दोनों गाना भोजपुरी में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है। अभी आप YouTube पर जाएंगे तो ट्रेंडिंग सेक्शन में नंबर वन पे आपको गाना मिल जाएगा कि मुर्गिया आरा के हिया। इस गाने को गाए हैं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और उनकी साथी है शिल्पी राज। इस गाना को लिखे हैं कृष्णा बेदर्दी ने। तो वहीं कि मुर्गिया छपरा के यह गायक हैं प्रमोद प्रेमी यादव, अंजलि भारती और उस गाना को लिखे हैं छोटन मनीष। दोनों गानों को लेकर भोजपुरी में काफ़ी समय से विवाद चल रहा है कि आखिर गाना किसका किसने चुराया। शुरू से ही खेसारी लाल यादव पर आरोप लगता रहा है कि वे दूसरे का गाना चोरी करते हैं, छोटे छोटे सिंगरों का गाना उठाते हैं गा देते हैं। और जानते चलिए कि मेरा नाम है रविशंकर कुमार और कैमरा के पीछे हैं अभिषेक मौर्य। दोस्तों बताते चलूं कि जिस दिन गाना आया था और प्रमोद प्रेमी यादव का फुल गाना आया था कि मुर्गिया छपरा के, यह ठीक उसी दिन खेसारी लाल यादव के गाना का मात्र टीजर आया था। खेसारी लाल यादव के गाना का टीजर और प्रमोद प्रेमी यादव का फुल गाना, तो कहां तक लगता है कि गाना चोरी हुआ है। जब दोनों गाना को गौर से सुनेंगे तो गाना का जो मुख्य अंतर है कि मुर्गिया छपरा के ही और मुर्गिया आरा के ही, मात्र यही दोनों जो लाइन है एक दूसरे से मिलता जुलता है और यहाँ पर राइमिंग भी सेम है। लेकिन जैसे मुखरा समाप्त होता है अंतरा सुनेंगे तो दोनों का अंतरा भी अलग है और दोनों का राग और धुन भी अलग अलग है। प्रमोद प्रेमी यादव का गाना सुनेंगे कि जस्ट उसके बाद वो फर्स्ट मुखरा में गाता है कि माल टंच होली उपार के खाए माज कबर उतार के। सीधे सीधे पे इस लाइन के माध्यम से प्रमोद प्रेमी यादव छपरा के लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने गाने में सिर्फ और सिर्फ मुर्गी शब्द का प्रयोग तो किया है लेकिन गाने के माध्यम से ये छपरा के लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। तो वहीं खेसारी लाल यादव मुर्गी आरा के हिया के माध्यम से लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन दोनों गानों को ध्यान से सुनने पर आपको पता चलेगा कि खेसारी का एक गाना हद तक सही है लेकिन उनका एक गलती है कि उन्होंने गाने में मुर्गी को लेकर जो मतलब जैसे वो डांस किए हैं जैसे दिखा रहे हैं ये थोड़ा सा गलत है। लेकिन प्रमोद प्रेमी यादव का जो गाना है पूरा का पूरा लड़की पर जा रहा है कि माल टंच होली उपार के खायम आज कवर उतार के। भोजपुरी में अश्लीलता आज से नहीं है, भोजपुरी में अश्लीलता बहुत सालों से है और आज भी है और कब तक रहेगी इसका कोई अता पता नहीं। सब कोई बोलता है कि भोजपुरी सुधारो लेकिन सुधारने वाला कोई आगे नहीं आता है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे मीडिया वाले हैं कि इस बात को हमेशा टारगेट करते रहे हैं कि भोजपुरी के जो सुपर स्टार कथित तौर पर कहे जाते हैं कम से कम वो सही करें। भोजपुरी के जो सबसे बड़े यूट्यूबर कहे जाने वाले हैं और या मीडिया वाले हैं सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे गायकों को टारगेट करते हैं कि जैसे गाना आया था कि देवरा ढोंगी चटना बा, ऐसा बहुत सारा गाना आया में छोटे सिंगरों को टारगेट करके उनका मतलब इतना गंदा से रिव्यू किया गया ना कि मुझे बताने में शर्म आ रही है। उस टाइप मैं नहीं कर सकता लेकिन वहीं जो मतलब यूट्यूबर हैं जो कथित तौर पे अपने आप को पत्रकार कहते हैं, क्या प्रमोद प्रेमी यादव के पास जाते हैं कभी अश्लीलता पर सवाल करते हैं, क्या कभी खेसारी लाल यादव के पास जाते हैं या कभी पवन सिंह के पास जाते हैं? नहीं, क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं है। अगर जाते भी हैं ना तो सीधी साधी सवाल पूछ लेते हैं जिसमें अश्लीलता की कोई बात ही नहीं होती है। अगर बात भी आ जाए ना तो जो बड़े सिंगर हैं ना छोटे सिंगर को कहते हैं और सबसे बड़ी बात देते हैं कि हमारे जो भोजपुरी दर्शक हैं वैसे ही गाना सुन रहे हैं। तो भोजपुरी देखने वाले और भोजपुरी सुनने वाले हो अगर आप ऐसा करते हैं तो कर रहे हैं, गलती एक तरफ से नहीं होती। अगर वो गा रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो वो गा रहे हैं। देखिए मुझे अपनी राय रखना एक मतलब जरूरी लगा कि मैं बताते चलूं। तो भोजपुरी में मुद्दा मेन बात यह है कि गानों को चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां से ज़्यादा पैसा मिलता है जो म्यूजिक कंपोजर होता है या म्यूजिक डायरेक्टर होता है गाना को इधर से उधर कर देता है। हेलो कौन जब गाना आया था रितेश पांडे का उस समय भी हुआ था और लहंगा लखनऊ जब खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे का आया था उस समय भी विवाद हुआ था। तो भोजपुरी शुरू से ही विवादों में रही है, अभी भी है और शायद मुझे लगता है आगे भी रहेगी और अश्लीलता में तो रहेगी ही। तो दोस्तों ऐसे ही भोजपुरी फिल्मों की खबर जानना चाहते हैं, बॉलीवुड की खबर जानना चाहते हैं या देश की तमाम खबरें जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।